अच्छा, आज की वीडियो मैम मैं बात करूंगा कि कौन सी टिप्स आपके लिए ज़रूरी हैं जब अगर आप स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हो या अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ना यूजुअली, और टिप्स। सो स्कॉलरशिप के लिए बेसिकली आपको 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स का होना इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपकी CV, दूसरा मोटिवेशन लेटर या जिसे कवर लेटर भी कह लें। मैं मेरे नज़दीक मोटिवेशन लेटर और कवर लेटर एक ही चीज़ मैं कंसीडर करता हूँ, कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। और तीसरा रिकमेंडेशन लेटर, अगर आप PhD के लिए देख रहे हैं या मास्टर्स के लिए ना। तो CV के अंदर क्या होना चाहिए, बेसिकली CV के अंदर आपकी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए, और स्पेशली ज़्यादातर उस चीज़ को फोकस करें जहाँ जो आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स सपोज के CV के अंदर आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डोमेन के लिए, नेटवर्किंग के लिए या IT के अंदर या AI पे अप्लाई कर रहे हैं, तो CV को ज़्यादातर जो है ना उसकी वेटेज उसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर रखें। यानी कि आप इन किसी भी डोमेन में अप्लाई कर रहे हो और AI के अंदर कर रहे हैं या नेटवर्किंग AI के अंदर अप्लाई कर रहे हैं और आप नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं कि जी मेरा इतना एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग के अंदर या ब्लॉकचेन के अंदर, वो डोमेन कोई और है, या फिर आप कह दें जी टीचिंग में मेरा इतना एक्सपीरियंस है, तो अगर ये चीज़ नहीं, टीचिंग में अगर एक्सपीरियंस डिफाइन कर रहे हैं तो वो भी उसी डोमेन के ऊपर डिफाइन करें कि मैं टीचिंग के अंदर मेरा AI के अंदर या जो जॉब आई है जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसके अंदर मेरा कितना एक्सपीरियंस है या उसके लिए मैं कितना एलिजिबल हूँ। ये सबसे ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ है ना। तो मेरी ओपिनियन में CV आपकी थोड़ी बहुत जो है ना ब्रॉड होनी चाहिए। ब्रॉड मतलब कि बहुत स्पेसिफिक डिफाइन ना करें। ऑब्वियसली आप एक पोजीशन को टारगेट करते हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि आप उसको ले पाएंगे, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो CV अगर थोड़ी बहुत ब्रॉड, लाइक अगर आप AI के अंदर अप्लाई कर रहे हैं स्पेशली कोई पोस्ट आई है मेडिकल इमेजिंग के ऊपर, आपका मेडिकल इमेजिंग के ऊपर एक्सपीरियंस है, तो आपने कोशिश करनी है थोड़ा सा AI को डिफाइन करते हैं, भाई डीप लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस है और मैं डीप लर्निंग को कहीं भी अप्लाई कर सकता हूँ, NLP के अंदर या कहीं भी। तो ये थोड़ा सा होगा जिस पे ये होगा कि आपके पास चांसेस बढ़ जाएंगे अप्लाई करने के, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा आ जाएंगे कि आप ज़्यादा जगह पर अप्लाई करोगे। फिर वहाँ होता ये है कि जहाँ आप अप्लाई करेंगे वहाँ कंपटीशन देखा जाता है कि मे बी आपकी CV जो रिव्यू कर रहा है वहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा ना हो आप। लेकिन अगर आप ब्रॉड नहीं डिफाइन कर रहे तो आप सिर्फ मेडिकल पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ कंपटीशन की बात होगी, तो मे बी वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा और आप सिलेक्ट ना हो इंटरव्यू के लिए। तो थोड़ा सा उसको ब्रॉड डिफाइन करें ताकि आपके चांसेस थोड़े से बढ़ जाएं। और इसी तरह मोटिवेशन लेटर के अंदर आपने चीज़ें एक्सपीरियंस डिफाइन करना है। होता यही है कि आपने MS कैसे किया या BS या कैसे किया, और अगर आप MS के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपकी मोटिवेशन के भाई आप PhD क्यों करना चाह रहे हैं, MS क्यों करना चाह रहे हैं, और ज़्यादातर बेटर ये है कि टेक्निकल टर्म्स में बात करें कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और मेरा मेन मकसद क्या है PhD करने का या इस डोमेन में आने का, और आप इस पोजीशंस के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, और अपनी स्किल्स को डिफ़ाइन करें। हो सके तो मोटिवेशन में जो लिंक्स के जी आपकी कोई, पहले तो ऑनलाइन प्रोफाइल बनाएं डिफरेंट जगह पर जो प्रूफ दे कि आप वाकई आपको कुछ आता है, आपके कुछ प्रोजेक्ट्स या इस तरह के ना वो लिंक मेंशन कर दें, वो आपके मोटिवेशन लेटर्स को मज़ीद जो है ना एक उसके अंदर कह लें कि उसकी वर्थ को इंक्रीज़ करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे आपके चांसेस भी बढ़ जाएंगे आपकी इंटरव्यू कॉल के लिए और तमाम चीज़ें ना। और दूसरा ये है कि हाँ, रिकमेंडेशन लेटर के आपके प्रोफेसर्स के 1 या 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए, यूनिवर्सिटी से आप ले लें वो बेटर रहेगा। और साथ में हाँ, ज़्यादातर होता है IELTS का, जी हमने IELTS देना है। कुछ कंट्रीज़ रिक्वायर करती हैं, कुछ कोई नहीं करती, लेकिन यह है कि आप यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी एक ले लें, वो साथ लगा कर भेज दें, तो वो बहुत सारी जगह पर ना आपको काम आ जाता है अगर आपका यूनिवर्सिटी का जो है ना एजुकेशन इंग्लिश मीडियम हो। लेकिन पाकिस्तान में तमाम यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन जो है इंग्लिश मीडियम ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर कंसिडर की जाती है, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। 2-4 यूनिवर्सिटीज़ होंगी जहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपने देखनी है, और उसके बाद बस आप जाकर अप्लाई करें। मैंने 1-2 वीडियोस और में मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये है कि आप डिफरेंट वे से अप्लाई कर सकते हैं। मैं फर्दर इसमें ऐड कर दूंगा और भी फर्दर वीडियोस में। इसमें एक और चीज़ बताना थी आपको, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, जो बात की है मैंने, मतलब CV, मोटिवेशन लेटर और जो फर्दर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं,
जैसे जो है रिकमेंडेशन लेटर, तो आप एक पीडीएफ फाइल बना लें, सिंगल पीडीएफ फाइल। उस पीडीएफ फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अपना उसमें नाम मेंशन कर दें। जब आप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो वो एक सिंगल पीडीएफ फाइल सेंड करें, या प्रोफेसर्स को मेल्स करते हैं तो सब्जेक्ट का टाइटल होना चाहिए पीएचडी स्कॉलरशिप या पोजीशन रिक्वायर्ड समथिंग लाइक, आप जो भी कर रहे हैं उसके नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन हो, और वो पीडीएफ फाइल एक सिंगल फाइल अटैच करते हैं। क्योंकि अलग अलग फाइल अटैच करके सेंड करेंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, प्रोफेसर उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी सारी एक एक फाइल इंडिविजुअली ओपन करके देखें। तो एक ही फाइल जब वो आप भेजेंगे तो वो ऑब्वियसली उसी को ओपन करेंगे, तो कुछ चीज़ उन्हें इंटरेस्टिंग लगी तो ऑब्वियसली वो उसे रीड करने की फर्दर कोशिश करेंगे और आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे अगर उनके पास पोजीशन अवेलेबल हुई। तो ये एक टिप है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फर्दर अगर आपको आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे मैंशन कर सकते हैं, मैं आपका जो है ना जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा।